वो कौन कूद रहा है? अरे 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 रुको, नदी में मत कूदना, भयानक तूफानी बाढ़ चली है। अरे कूदे तो मर जाओगे, वापस आओ, रुक जाओ, ठहरो, मर जाओगे। कहाँ गया? लगता है पानी के भंवरों ने उसे खींच लिया, डुबो दिया। इतनी भयानक बाढ़, उसका जीवित रहना असंभव। मर गया बेचारा। कहाँ गया वो बच्चा? कहीं नजर नहीं आ रहा। राम राम। कहीं नजर नहीं आ रहा। पानी के भंवरों ने उसे खींच लिया। राम राम। बाढ़ में उसका जीवित रहना असंभव है। बेचारा। अरे ये नहीं, कौन होगा? ये कैसे बच गया? अरे आप इतनी सहजता से इतनी तूफानी बाढ़ में कैसे कूद गए? आपको डर नहीं लगा? भीतर की शांति ऊपर के तूफानों को भी शांत कर देती है। ऊपर के तूफानों से डरोगे तो भीतर की शांति कैसे पाओगे? नीलकंठ वर्णी के निरंतर अथक रूप से चलते चरण उन्हें जहां भी ले जाते थे, वहां कोई न कोई किसी न किसी रूप में उनसे जुड़ जाता था। बरेली गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अरे पिछले साल तो इतनी बाढ़ आई थी कि गांव के सारे घरों में पानी घुस गया था, यहां तक कि हमारे खेतों में भी फसल बर्बाद होते होते रह गई थी। हम भी अपनी भेड़ बकरियों को बड़ी मुसीबत से बचा पाए थे। वैसे भी कुदरत के सामने हम क्या कर सकते हैं? जो भगवान चाहेंगे वही होगा, सब उसके हाथ में है। हाँ सो तो है। हरी करे सो होए जगत में, हरी करे सो होए, चाहे करे नर कोटि उपाय, करता दू जो कोई जगत में हरी। अरे रुक क्यों गई? गाना हाँ? कितना प्यारा बच्चा है। केवल बच्चा है या कुछ? इतना छोटा बालक और योगी। बेटा तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? यूं तो सारे नाम मेरे ही हैं, पर आप चाहें तो मुझे नीलकंठ बुला सकते हैं। नीलकंठ? पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हारा घर कहाँ है? उस घर का तो मैं त्याग कर चुका हूँ, फिर भी मैं जहां भी हूं घर में ही हूं, क्योंकि मेरा घर तो सारा विश्व है। पर इतनी छोटी उम्र में तुमने अपनों को क्यों छोड़ा? सबको अपनाने के लिए, जो भटक गए हैं उन्हें घर वापस लाने के लिए। तुम हो तो इतने छोटे से पर बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो।
भैया, यहाँ आसपास में कोई जगह है जहाँ नारद जी ने तपश्चर्या की थी? हाँ, उस जगह का नाम ही नारद वन है। यहीं से उस तरफ का रास्ता पड़ता है। अरे वो बच्चा अकेला जा रहा है। किंतु तुम्हारा अकेले वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, बड़ी भयानक जगह है। नीलकंठ वर्णी ऐसे भयानक वनों में भी सहज रूप से चले जाते थे, जहाँ दिन में भी सूरज की किरणें प्रवेश नहीं कर सकती थीं। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, ऐसे अनेक बीहड़ वनों को पार करते हुए, कईयों को अपने स्वरूप की स्मृतियां देते हुए, कुछ दिनों की यात्रा के बाद नीलकंठ वर्णी नारद वन आ पहुंचे। आपके दर्शन मात्र से प्रतीत होता है कि कई वर्षों से जिनका स्मरण हम अपने हृदय में करते आए हैं, वो भगवान स्वयं आज हमारे समक्ष प्रकट खड़े हैं। आप सबने परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग चुना है, उसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। ये मार्ग विकट है, पर हमें इस मार्ग पर चलते रहना है। चाहे कितनी भी समस्याएं आए, कितनी भी बाधाएं आए, और मृत्यु भी क्यों न आ जाए, किसी भी परिस्थिति में हमें उठ खड़ा होना है। सच्चे भाव से, सच्ची लगन से परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चलते रहना है, तो परमात्मा कृपा करके हर अंधेरे को दूर कर हमारे जीवन में उनकी प्राप्ति की सुबह लाएंगे। नीलकंठ वर्णी की कल्याण यात्रा में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने उनकी सेवा का अवसर जाने न दिया। ये भी ग्रहण कीजिए। चाहे वो कोई सामान्य भाविक जन हो या फिर स्वयं गंगा जी भी क्यों न हो। भूर्भुवस्वः तच्च वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।